चाहिए, सिर्फ हमें हिजाब पहना है, हिजाब के साथ ही हम स्टडी करेंगे, हिजाब के अलावा हम स्टडी नहीं करेंगे। और वो ऐसे हमें अभी बाहर ऐसे है हिजाब के साथ, अंदर जाके हिजाब निकालना, ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे। पहले कैसे क्लास में भी हिजाब पहन के बैठते थे, बुर्का पहन के बैठते थे, वैसे ही करेंगे, ऐसे क्यों हमें हमें भी राइट्स चाहिए ना, हम क्यों बुर्का निकाल के बैठे, क्या फर्क है इसमें, हमें इंसाफ मिलेगा इससे तो बैठ, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इसी के लिए हम इधर बैठे हैं। और हमें यकीन है हमें मिलेगा हिजाब का इंसाफ, अल्लाह है हमारे साथ, हमें यकीन है हिजाब हमें जल्दी से रहेगा और आप हमारा पर्दा हमेशा रहेगा, अल्लाह है यकीन है हमें इंशाल्लाह। करो बात करो जिस राह से आएगा उस राह से मारेंगे, उड़ कर भी देखेगा, जिस राह से आएगा उस राह से मारेंगे, उड़ कर भी देखेगा। जिस राह से आएगा उस राह, हिजाब इज आवर डिग्निटी, वी कैन नॉट रिमूव आवर हिजाब and no one can force us to remove the hijab because it is a dignity and it is a fundamental right. All staffs are before us because they are taking the classes of Hindu students and not us, because we are very upset of that. We cannot remove our hijab because now they cannot force us to remove from classes are all before, all classes are after us because the Hindus are going ahead and we are remaining behind. We cannot go ahead because of hijab, our classes are getting lost and we are going down. We cannot remove our hijab and you all cannot force us to remove. We are not reading our namaz over here, we are wearing our hijab over here. No one can force us to remove and it is our dignity, our fundamental rights. We are honored to remove this and it is, we are wearing from the youngsters and no one can force to remove. And also no, our classes are going behind and we are going down, Hindus are going ahead. No one can tell us to remove the hijab because of staffs are forcing us to remove the hijab and go and sit in class. That we cannot do at all. And now we are declared that we will not remove hijab. We will fail, but we will pass in the Islam. यहाँ पर डीसी साहब से भी मुलाकात की है, उसके अंदर डीसी साहब ने क्लियरली कहा है कि मैंने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है मैंने, तो मैं उनको तमाम लोगों को यही कहना चाहूँगा, अगर कहीं पर भी आपकी बच्चियों को हिजाब के ताल्लुक से या फिर क्लास में अटेंड करने के ताल्लुक से अगर कोई भी अगर रोक रहे हैं तो आप डायरेक्टली डीसी को आकर कंप्लेंट दे सकते हैं, डीसी को एक रिटर्न कंप्लेंट आप दे सकते हैं, उसी के साथ साथ पुलिस कमिश्नर को भी आप रिटर्न कंप्लेंट दे सकते हैं और आपके जो स्टेशन पुलिस स्टेशन हैं वहां पर भी आप रिटर्न कंप्लेंट दे सकते हैं, प्रिंसिपल के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ और जो कॉलेज जो एडमिन होता है उनके खिलाफ भी आप कंप्लेंट दे सकते हैं। तो आपको यही कहना है और जैसा कि सिराज शाब्दी ने जो कहा कि एक हेल्पलाइन नंबर हम यहाँ पर डालेंगे जिस हेल्पलाइन के जरिए से आप तमाम लोग हमसे जानकारी हासिल कर सकते हैं और हम लोग आप लोगों को हेल्प करने के लिए तैयार हैं। गुलबर्गा के तकरीबन कई नौजवान इस काम में लगे हुए हैं और हमारे साथ साथ बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट वाले भी, इवन आज डीसी ने खुद कहा है कि अगर आपको कहीं पर भी इश्यू हो रहा है तो मुझे बताइए, मैं इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। और आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग भी डीसी ने ली है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे जो जो इस तरीके से कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये जरूरी है बताना कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बच्चों को अवेयर करें, अपनी बच्चियों को अवेयर करें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।